दोस्तों, आज से कई साल पहले यानी 2006 के साल से पहले सौरमंडल में 8 नहीं बल्कि 9 ग्रह हुआ करते थे। कहने को तो ये पिंड आज भी उतने ही हैं, बस इनके नाम में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है और किस वजह से आ गई है उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो पर बात करेंगे। प्लूटो भी सौरमंडल का एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन साल 2006 में ग्रह की परिभाषा तय की गई, तब प्लूटो को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया क्योंकि जो मापदंड तय किए गए थे प्लूटो उन मापदंडों पर खरा नहीं उतरा था। हालांकि प्लूटो को फिर से सौरमंडल का एक ग्रह बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने जोर दिया था, लेकिन फिर भी यह सौरमंडल का ग्रह नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने इसके पक्ष में बहुत सारी दलीलें दी थी, लेकिन इसके विपक्ष में दलीलें ज्यादा सटीक थी। प्लूटो की खोज 92 साल पहले 1930 में हुई थी, लेकिन एक ऐसा भी दिन आया जब इसकी पहचान छीन ली गई, 26 अगस्त 2006। ये वही ऐतिहासिक तारीख थी जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने ग्रह की परिभाषा बदल दी और प्लूटो से 9वें ग्रह होने का खिताब छीन लिया। 2006 में चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में 2500 खगोलविद इकट्ठा हुए और ग्रह को नए सिरे से परिभाषित किया गया। किसी ग्रह को सौरमंडल का ग्रह कब माना जाएगा उसके लिए 3 मानक तय किए गए। पहला, उसका सूर्य की परिक्रमा करना अनिवार्य है। दूसरा, उसे कम से कम इतना बड़ा होना जरूरी है कि खुद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने शेप को गोल आकार में तब्दील कर ले। और तीसरी शर्त थी वह दूसरे एस्टेरॉयड से अलग होकर खुद स्वतंत्र कक्षा तैयार कर सके। इसके बाद 8 ग्रह चुने गए और प्लूटो को बाहर कर दिया गया। इन 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी भी है। सौर परिवार का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते समय एक स्थिति ये भी आती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं, तब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ने लगती है। खगोलीय शास्त्र में इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। छाया के अनुसार ही सूर्य ग्रहण का प्रकार तय किया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे थे प्लूटो की। दोस्तों, यदि हम इस ग्रह की बात करें, इस पूर्व ग्रह की बात करें, तो उसे क्लाइड टॉम्बग ने 18 फरवरी 1930 को खोजा था। प्लूटो ग्रह का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा वेनेशिया बर्नी ने रखा था। इस बच्ची का कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और इस ग्रह पर भी लगभग हमेशा अंधेरा ही रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। इस बच्ची को उस समय इनाम के तौर पर 5 पाउंड दिए गए थे जो आज के हिसाब से करीब 472 रुपए होते हैं। पृथ्वी से निकलकर प्लूटो की ओर जाने के रास्ते में कई उल्कापिंड और ग्रह दिखाई देते हैं। अगर न्यू हॉरिजॉन्स स्पेसक्राफ्ट की स्पीड में भी प्लूटो पर जाएं, तब भी हमें वहां तक पहुंचने में 9.5 साल का समय लग जाएगा। प्लूटो की तरफ जाते ही अंतरिक्ष में अंधेरा और ठंडी दोनों बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, पृथ्वी से जब प्लूटो सबसे दूर होता है तब उसकी दूरी पृथ्वी से 7.5 बिलियन किलोमीटर होती है, यानी 7.5 अरब किलोमीटर। और जब ये पृथ्वी के सबसे करीब होता है तब वहां से इसकी दूरी 4.3 अरब किलोमीटर होती है, यानी 4.3 बिलियन किलोमीटर। यानी अगर हम कभी प्लूटो पर जाना चाहें तो हमें इसे कम समय अंतराल में ही चलना होगा। वैसे तो प्लूटो को एक बेजान दुनिया माना गया है, लेकिन प्लूटो पर जाते ही हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं क्योंकि वहां पर बर्फीले पहाड़, बिना क्रिएटर वाले बड़े मैदान और कुछ उबड़ खाबड़ इलाकों के साथ प्लूटो का एक बड़ा दिल भी आपको वहां पर दिखाई देगा। हालांकि ये प्लूटो पर एक बहुत बड़ा समुद्र है जो पूरी मोटी बर्फ की चादर से ढका है और इसका शेप एक दिल की तरह दिखाई देता है। प्लूटो के इस दिल को स्पुतनिक प्लांटिया कहा जाता है। प्लूटो जब सूर्य के सबसे नजदीक होता है तब इसका वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा होता है। साथ ही प्लूटो का समुद्र भी बहुत ही जहरीला है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर और चौड़ाई 800 किलोमीटर है। वहीं इसकी गहराई 100 किलोमीटर बताई जाती है। जब प्लूटो सूर्य से बहुत दूर होता तो इसका वायुमंडल जम जाता है और बर्फ की तरह गिरने लगता है। प्लूटो में दिन और रात का समय बहुत ही लंबा होता है। यहाँ एक दिन का समय पृथ्वी के 6 दिन 9 घंटे और 36 मिनट के बराबर होता है। इसके घूमने की रफ्तार धीमी होने की वजह से प्लूटो में 1 साल का समय पृथ्वी के 248 साल के बराबर होता है। यह धरती की परिक्रमा 248 पृथ्वी वर्ष में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्लूटो पर रहते हैं तो आपको अपने जन्मदिन को मनाने के लिए 248 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। प्लूटो का
एक दिन धरती के 6.5 दिन के बराबर होता है, यानी कि हमारा एक हफ्ता प्लूटो के एक दिन के बराबर होता है। प्लूटो का एक तिहाई हिस्सा पानी है, हालांकि ये पानी बर्फ के रूप में है जो पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। शेष 2/3 चट्टाने हैं। प्लूटो की सतह बर्फ से ढकी हुई है। इसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं और गहरे अंधेरे गड्ढे भी हैं। प्लूटो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ सूर्य पश्चिम दिशा से उगता है और पूर्व में डूबता है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 45 किलो है तो प्लूटो पर आपका वजन लगभग 3 किलो होगा। प्लूटो तक पहुंचने में सूरज की रोशनी को लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है, जबकि इसे पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट ही लगते हैं। प्लूटो और सूर्य के बीच बहुत अधिक दूरी होने के कारण सूर्य की रोशनी को प्लूटो ग्रह तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं, जबकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड ही लगते हैं। अगर आप प्लूटो के वायुमंडल में जाते हैं तो आपको एक हल्की धुंध दिखाई देगी। ये धुंध प्लूटो की जमीन से 160 किलोमीटर तक फैली हुई है। सबसे बड़ी बात जो आपको प्लूटो पर देखकर खुशी होगी, क्योंकि यहाँ आपको पांव रखने के लिए जमीन मिलेगी। इसके सरफेस पर यहाँ के पतले वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, यानी यहाँ पर जीने के लिए हमें स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी। प्लूटो पर ऐसी ठंड पड़ती है जो हड्डियों को जमा दे। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मी बेहद ही कम है। इसकी सतह का तापमान अमूमन -233 से -240 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो किसी भी इंसान को या किसी भी जीव को पल भर में जमा सकता है। इसकी जमीन पर आपको किसी तरह का कोई दबाव महसूस नहीं होगा। प्लूटो बहुत ज्यादा ठंडा है। यहाँ अंटार्कटिका से भी बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ इतना ठंडा है कि पृथ्वी की हवा वहां जमकर बर्फ बन जाएगी। पृथ्वी के मुकाबले प्लूटो की ग्रेविटी भी बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के मुकाबले एक व्यक्ति का प्लूटो पर बहुत ही कम वजन होगा, और प्लूटो पर चलने के लिए उसे बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जिस ताकत से वह प्लूटो पर कदम रखेगा उसे उछल उछल कर चलना पड़ेगा। शुरू में प्लूटो को ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन यह बहुत छोटा है। आकार में है अमेरिका का आधा होगा। प्लूटो पृथ्वी के चांद से भी छोटा है, इस वजह से इसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। सूर्य से पृथ्वी जितनी दूरी है उसके मुकाबले प्लूटो 40 गुना ज्यादा दूर है। इस बोने ग्रह के पास 5 चंद्रमा है। इसके सबसे बड़े चंद्रमा का नाम कैरन है। कैरन प्लूटो के आकार का आधा है। प्लूटो के अन्य चंद्रमा का नाम कैरबेरोस, स्टिक्स, निक्स और हाइड्रा है। प्लूटो से सूरज को देखने पर सूरज कहीं दूर आपको दिखाई देगा, और सूरज की किरणों को यहां तक पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, यानी यहां आप बिना पल के झपकाए लगातार सूरज को देख सकते हैं, और आपको यह एक टिमटिमाते हुए तारे के समान ही दिखाई देगा। प्लूटो पर की गई नई रिसर्च से यह पता चलता है कि प्लूटो लगातार और ज्यादा ठंडा होता जा रहा है, और उसके मौसम में भी बदलाव आने शुरू हो गए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।